गर्मी में अगर ठंडाई एक गिलास अगर पी ले तो पूरा दिन आदमी तरोताज़ा रहता है, और ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये ठंडाई बनाना हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ठंडाई बनाने वाले हैं दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये सेहत और स्वाद से भरपूर होता है। गर्मी में अगर एक गिलास ठंडाई मिल जाए तो पूरा दिन तरोताज़ा फील होता है। मार्केट में मिलने वाला ठंडाई चीनी, केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से भरपूर होता है, तो हम इसे घर पर बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। तो चलते हैं किचन में। ठंडाई बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये किशमिश है, और ये काजू है, ये पिस्ता बादाम है, और ये चार छुहारे हैं, और ये पांच इलायची हैं, दो चम्मच सौंफ है, ये थोड़ी सी एक चम्मच काली मिर्च है, और ये खरबूजे के बीज हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ठंडे पानी में 6 घंटा के लिए भिगो के रखेंगे। किशमिश डालेंगे, काजू डालेंगे, पिस्ता बादाम डालेंगे, छुहारा डालेंगे, ये खरबूजे का बीज है, हम डालेंगे, सौंफ है, इसे भी डालेंगे, काली मिर्च अगर आप बच्चे के लिए बना रहे तो काली मिर्च थोड़ा कम डालें, ये इलायची डालेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट को हम 6 घंटा के लिए रख देंगे। 6 घंटा हो गया है तो हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं सारे दाने इसके एक एक। तो अब इसका हम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये जो छुहाड़े हैं उसका बीज हम निकाल लेंगे चाकू की हेल्प से। इसका इस तरह हम सारे छुहाड़े के बीज निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। आप चाहे तो पिस्ता बादाम भी छील सकते हैं, बट हम नहीं छीलते हैं क्योंकि हम इसे पीस कर छान लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे। इसमें किशमिश है, छुहारा है, वो भी मीठा होता है, तो ज़्यादा हम चीनी नहीं डालेंगे। बस इतना ही हम चीनी डाल के एक स्मूथ इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो हम मिक्स पीस लिए हैं, तो देख इसमें अभी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो हम पानी वही डालेंगे जो पानी हम भिगोए थे, हम दूसरा पानी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच पानी डाल के और एक बार इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमने ग्राइंड कर लिया है तो इसे देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा स्मूथ हो गया है। ये पूरा रूम में भीनी भीनी ड्राई फ्रूट की खुशबू फैल चुकी है। तो इसे अब हम छान लेंगे। तो इसमें ये जो पानी हमें फुलाए थे वही पानी इसमें हम डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसे पतला कर लेंगे। इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे, फिर हम इसे छानेंगे। इसका सारा रस हम निकालेंगे, जो ये फाइबर बचेगा उसे हम फिर से एक बार आप पीस के ले सकते हैं। तो सारा हम इसका रस निकालिए, ये थोड़ा सा ये फाइबर बच गया है तो इसे हम छान लेंगे। तो ड्राई फ्रूट का सारा पल्प ये हम निकाल लिए हैं, ये ठंडाई के लिए रेडी है। तो इसे हम बनाते हैं। अब हम ये 2 ग्लास लेंगे, इसके अंदर हम 2 आइस क्यूब डालेंगे, ये ठंडाई डालेंगे, और ये हमारा फ्रिज का ठंडा दूध है इसमें हम डालेंगे। और इसके हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। हमारा ये ठंडाई बन के रेडी है। तो आप भी बनाइए, पीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू।